कॉलेज में जो एनसीसी आर्मी विंग है उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस समय हमारे यूनिट में, सब यूनिट में 53 कैडेट्स हैं, जिसमें कि इस वर्ष 28 कैडेट्स नए भर्ती हुए हैं और हर साल की भांति रेगुलर परेड्स और जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो रेगुलर होते रहते हैं। एनसीसी सेंट जॉन्स आर्मी के एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। इसके अंदर पूरे कॉलेज से चुनिंदा लड़के और लड़कियों को चुना जाता है। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही सख्त तरीके से की जाती है। आर्म्स, अमिनेशन, फ्लाइंग और एडवर्स सर्कमस्टांसेस के लिए इनको ट्रेनिंग है। ये बहुत सी एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, ये एयरक्राफ्ट फ्लाइंग से लेके और दुर्गम स्थिति में जब कोई सामाजिक आपदा उत्पन्न होती है उसमें ब्लड डोनेशन भी ये प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों को प्रेरणा देने के लिए विभिन्न विषयों में उत्तम प्रदर्शन के लिए लगभग 78 पुरस्कार और अवार्ड्स कॉलेज की ओर से दिए जाते हैं। अनुभवी और गुणी विभाग प्रभारियों और प्रोफेसर्स के साथ नौजवान एसोसिएट्स प्रोफेसर्स के जोश और सहयोग ने कॉलेज की विकास यात्रा को सरल और सुगम बना दिया है। खेलकूद की दिशा में भी कॉलेज ने अतुलनीय प्रगति की है। लगभग सभी आधुनिक खेलों की टीमें उत्साह और सद्भाव से स्थानीय, क्षेत्रीय, अंतर क्षेत्रीय, अंतर विश्वविद्यालय आदि में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त करती आई हैं। प्राचार्य ऑफिस में सजे ये पुरस्कार खेलकूद सेक्रेटरी मिस्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा के अथक प्रयासों और योगदान को साफ बयां करते हैं। कॉलेज को अब तक ढेरों स्वर्ण, रजत और कांस्य चांसलर्स मेडल्स भी मिल चुके हैं। 1964 में डॉक्टर टी डी सले ने नवीन पुस्तकालय का शिलान्यास किया। 1965 में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा इसका उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। सभी विषयों की 83,271 पुस्तकों से सुसज्जित ये समृद्ध पुस्तकालय 200 विद्यार्थियों को एक साथ बैठने की व्यवस्था प्रदान करता है। और आज मिस्टर विजय कुमार अपने सहयोगियों के साथ दक्षता से इसकी पूरी देखभाल कर रहे हैं। खासकर गरीब विद्यार्थियों के लिए ये पुस्तकालय एक वरदान है। लंबे समय से कॉलेज के आय व्यय का सारा हिसाब बड़ी ईमानदारी, निष्ठा और तत्परता से जिम्मेदारी निभाने वाले मिस्टर वी डी बेंस के हाथों में सुरक्षित है। 1975 से मैं यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जॉब पर हूँ। अबाउट 37 ईयर्स मेरी यहाँ पे सर्विस हो गई है और मेरा प्रमोशन यहाँ पर एज अकाउंटेंट 1987 में हुआ। और इन फ्यूचर हमारी जो भी प्लानिंग चल रही है हमारे बीच के सर की कि वो MBA की उनकी एम्बिशियस है कि वो MBA हो जाए और जैसे BA का कोर्स है, वोकेशनल कोर्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंडस्ट केमिस्ट्री है, ये न्यू कोर्सेज, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज हैं, ये सब कोर्सेज इन्हीं के टाइम पे डेवलप हुए हैं। और इन फ्यूचर ये खुद चाहते हैं कि अगर इनका स्टेम्यूल कम होने के नाते सब भी ये चाहते हैं कि ये MBA कॉलेज में ज़रूर शुरू हो जाए, जिससे कि ये और डेवलप करे और मेरे कॉलेज के लिए, मेरा रिटायरमेंट बहुत क्लोज है, मेरी ये कॉलेज के लिए पूरी तरह से डेडिकेट लाइफ रही है मेरी। मैं चाहता हूँ कि कॉलेज इतना बुलंदी पे जाए कि सेंट जॉन्स कॉलेज का नाम ना केवल आगरा, ना केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के अंदर जाना जाए। 1965 में डॉक्टर पीटी चांडी को पद्मश्री के गौरव से अलंकृत किया गया। 1968 में रसायन विभाग के HOD डॉक्टर PI इटियारा ने प्राचार्य पद का भार संभाला। वो बहुत विवेकशील, शिक्षाविद और निर्मल स्वभाव के थे। 1978 में बिहार के डॉक्टर SC बानवर सिर्फ एक वर्ष के लिए प्राचार्य बने, फिर नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग के प्रो वाइस चांसलर पद पर सुशोभित हुए, लेकिन वहां किसी उन्मादी द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। आज ये कॉलेज नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 1979 में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर GM राम ने प्राचार्य पद की जिम्मेदारी संभाली। कॉलेज की परंपरा को उन्होंने लगन और मेहनत से आगे बढ़ाया। इन्हें अपने कॉलेज से बहुत प्यार था। 1980 में लगभग 2.5 दशक के अंतराल के बाद उर्दू विभाग डॉक्टर AA फातिमी के प्रभार में पुनर्स्थापित हुआ।
1982 में बॉटनी विभाग में पीजी क्लासेस शुरू हुई। डॉक्टर बाबूलाल गुप्ता इस विभाग के पहले विभाग अध्यक्ष बने। 1986 में स्टेटिस्टिक्स और कंप्यूटर विभाग स्वतंत्र रूप से डॉक्टर एम ए अंसारी के निर्देशन में आगे बढ़ा और 1987 में इग्नू ने अपना स्टडी सेंटर सेंट जॉन्स कॉलेज में खोला। आज उसमें लगभग 60 कोर्सेज चल रहे हैं। कॉलेज मैगजीन के एग्जीक्यूटिव एडिटर, कॉलेज के बर्सर और कॉमर्स फैकल्टी के चेयरमैन डॉक्टर पी एन अस्थाना बड़े जतन और मनोयोग से इग्नू के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। इट्स अ वेरी ओल्ड एंड रेनाउंड डिपार्टमेंट। नियरली 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द कॉलेज इज फ्रॉम कॉमर्स फैकल्टी ओनली। वी हैव बिकम रेगुलर, वी हैव बिकम ओकेशनल, we have become special scheme. Well, the faculty of commerce, as I said, is a very old faculty, has produced many, many big industries of Agra. We have produced many people from the bank and from other section of society. They all are doing very well. I wish students of St. John's a very bright future. I wish them to work very hard. I wish them to work for their future and bring glory to the college and to the department. 1991 में इतिहास विभाग के डॉक्टर एम एस रैनिक को प्राचार्य की कुर्सी सौंप दी गई, जिन्होंने इसकी गरिमा को बनाए रखा। 1996 में जूलॉजी विभाग के डॉक्टर आई एम आई प्राचार्य पद पर आसीन हुए। इनकी सज्जनता, न्यायप्रियता और ईमानदारी को लोग आज भी याद करते हैं। इस लंबी सूची में प्रधानाचार्यों के ये सभी नाम इज्जत व श्रद्धा के प्रबल हकदार हैं, जिन्होंने अपने गुणों और व्यक्तित्व के प्रभाव से कॉलेज को श्रेष्ठ होने का गौरव प्रदान किया है। रेवरेंड टीवी फ्रेंड्स से लेकर डॉक्टर आयत तक सभी प्रधानाचार्यों ने कॉलेज की ख्याति को बुलंदियों पर पहुँचाने के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन सभी प्राचार्यों के उत्तरदायित्व की भावना, पूर्ण अनुशासन और निपुण संचालन ने न केवल विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास की मजबूत नींव डाली बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रेरणा स्रोत भी बन गए। कॉलेज के इस 160वें स्थापना दिवस पर हम उन सभी के अतुलनीय योगदान और सेवा भाव को शत शत नमन करते हैं। कॉलेज का सौभाग्य है कि स्वर्णिम ऐतिहासिक उपलब्धियों की इस कड़ी में एक और गौरवशाली व्यक्तित्व जुड़ गया, वर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर एफ एम प्रसाद। आप बहुत सज्जन, मृदुभाषी, न्यायप्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। अबोध बालक सी निर्मलता लिए ये कर्मठ योद्धा अपने अनुभव और ज्ञान से सेंट जॉन्स कॉलेज की विरासत शिक्षा जगत में आलोकित किए हुए हैं। कॉलेज की सभी गतिविधियों में आप सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। आप में सादगी और सहिष्णुता के ऐसे विलक्षण गुण विद्यमान हैं, जो आपके समान पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों में बहुत कम पाए जाते हैं। कॉलेज के छात्र किसी भी समय आपसे भेंट करने की सुविधा प्राप्त किए हुए हैं। कॉलेज के विकास के लिए आपने कई सुधारवादी कदम उठाए।